आप सबको मेरा नमस्ते आ, ये जो ट्यूटोरियल है आ, ये कोविड में कैसे स्तनपान पान कराना आ, उसके लिए हम लोगों ने बनाया था जब भी कोविड चालू हुआ तभी यू you नो know, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस uh, है uh, वो हमारे पास आई और हमें बताया कि आप एक ट्यूटोरियल बनाइए जिससे अगर कोविड uh, माँ को कोविड हुआ है तो वो कैसे स्तनपान करा सकती है ठीक है uh, बहुत सारी ऐसी मिथ्याएँ थी कि स्तनपान कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए यू uh, नो you know, uh, कैसे हाथ धोना चाहिए मास्क पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए बहुत सारी ऐसी मिथ्याएँ थी कि बच्चे को माँ के साथ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो ये हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की गाइड गाइडलाइन आई वो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल बनाया हुआ है तो आप देखिए और समझिए कि यू you नो know, अगर ऐसे कोई भी आ, फ्यूचर में अगर आ, ऐसा कुछ आया तो यू नो you know, ये ट्यूटोरियल आप मदर को दिखा सकते हैं और आ, आप भी सम, समझ लीजिए कि, कि कैसे ये स्थिति में बच्चे को कैसे माँ का दूध पिलाना है ठीक है धन्यवाद कोविड 19 के दौरान स्तनपान कराने के विषय पर बने इस पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोविड नाइन्टीन क्या है कोविड नाइन्टीन के दौरान स्तनपान कराने के लिए क्या दिशा निर्देश है आइए पहले समझते हैं कि कोविड नाइन्टीन क्या है कोविड नाइन्टीन एक संक्रमित बीमारी है जो कोरोना वायरस नाम के वायरस से होती है ये वायरस दुनिया भर में फैल चुका है जब इससे संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो छोटी छोटी बूंदें मुंह से निकलती हैं। इन्हीं छोटी बूंदों में कोरोना वायरस होता है यही संक्रमित बूंदे जब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं तो संक्रमण फैलने लगता है ये संक्रमित बूंदे हवा में एक से दो मीटर के दायरे में फैल सकती हैं और किसी सतह पर बैठ जाती हैं, जहां वे कई घंटों या कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं। बाकी के लोग उस संक्रमित सतह को अपने हाथों से छूते हैं और फिर अपनी आखे नाक या मुंह वे बिना हाथ धोए छू लेते हैं तो इस तरह से भी संक्रमण दूसरे व्यक्तियों में फैल जाता है संक्रमित व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखने से पहले भी वो दूसरे व्यक्तियों में वायरस फैला सकते हैं। इस वायरस के अभी तक गर्भाशय में फैलने के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं संक्रमित मां के दूध में भी ये वायरस अभी तक नहीं पाया गया है और इस वायरस के स्तनपान के जरिए फैलने के भी अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं कोरोना वायरस से संक्रमण के चिकित्सकीय लक्षण अलग अलग हैं बुखार खांसी सांस लेने में तकलीफ थकान सर दर्द गले में तकलीफ ऐसे कुछ आम लक्षण हैं उल्टी होना दस्त लगना छींके और आंख आना कुछ असामान्य लक्षण हैं। ऐसा भी हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई ना दे नवजात और शिशुओं को कोविड 19 से खतरा कम है छोटे बच्चों में कोविड 19 के बहुत कम पक्के केस सामने आए हैं अधिकतर संक्रमित शिशुओं में वायरस के कम से कम या कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। चलिए अब कोविड 19 के दौरान स्तन पान कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों पर बात करते हैं स्तन पान सभी शिशुओं के लिए बहुत जरूरी है इसमें कोविड 19 से संदिग्ध या संक्रमित माओ से जन्म लेने वाले शिशु भी शामिल हैं और इसमें वे शिशु भी शामिल हैं जो कोविड 19 से संक्रमित या संदिग्ध हैं सभी शिशुओं को शिशु आहार दिशा निर्देशों के मानकों के हिसाब से आहार मिलना चाहिए शिशु के जन्म के एक घंटे के भीतर ही स्तनपान की शुरुआत हो जानी चाहिए और छह महीने तक सिर्फ स्तनपान जारी रखना चाहिए यदि जरूरी हो तो मां के स्तन से निकाला हुआ दूध भी शिशु को पिलाया जा सकता है शिशु के छह महीने की उम्र पूरी होने पर पूरक आहार की शुरुआत करनी चाहिए और स्तनपान शिशु के दो साल का होने तक जारी रखना चाहिए स्तन पान कराना स्तनों से निकाला हुआ दूध पिलाना और पूरक आहार खिलाना जरूरी कौशल हैं। हमारे दूसरे ट्यूटोरियल में इन विषयों पर बात की गई है कृपया हमारे वेबसाइट पर जाकर आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन श्रृंखला में जरूरी वीडियो जरूर देखें। कोविड 19 के दौरान शिशु को आहार देने में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए शिशु को छूने से पहले और बाद में माँ को 20 सेकेंड तक अपने हाथ धोने चाहिए माँ को स्तन पान कराने और स्तन से निकाला हुआ दूध पिलाने से पहले और बाद में भी हाथ धोने चाहिए हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर माँ कोविड 19 की संदिग्ध या संक्रमित मरीज हैं, तो उन्हें मेडिकल मास्क की जरूरत होगी स्तन पान कराते समय माँ को मास्क पहनना चाहिए और स्तन से निकाला हुआ दूध पिलाते समय भी मास्क के नम होते ही तुरंत उसे बदल देना चाहिए इस्तेमाल किया हुआ मास्क तुरंत कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए माँ को मास्क के बाहरी सतह कभी नहीं छूनी चाहिए उसे मास्क को पीछे से निकालना चाहिए अगर ऐसा हो जाए कि मेडिकल मास्क उपलब्ध ना हो तो उस समय माँ को टिश्यू पेपर या एक साफ कपड़ा या एक रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए माँ को छींकते और खांसते वक्त इसे चेहरे पर लगा लेना चाहिए फिर इसे तुरंत कूड़ेदान में फेंककर अपने हाथ धो लेने चाहिए गंदा टिश्यू पेपर या कपड़ा या रूमाल जितनी जल्दी हो सके बदलते रहना चाहिए अगर मेडिकल मास्क ना उपलब्ध हो तो कपड़े से बने मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ को हर बार दूध पिलाने से पहले स्तन को धोने की जरूरत नहीं है लेकिन खांसते या छींकते समय छाती पर बूंदे पड़ जाएं तो स्तन साफ कर लेने चाहिए स्तन को धोने के लिए साबुन और गर्म पानी से कम से कम 20 सेकंड तक सफाई करनी चाहिए शिशु की देखभाल करने वालों को भी शिशु को छूने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए कमरे के फर्श और बाकी की सतहों को रोज साफ और संक्रमण रहित बनाए रखना जरूरी है कुछ संक्रमित माए इतनी बीमार हो सकती हैं कि वे शिशु को स्तनपान न करा सके ऐसे में शिशु को मां के स्तनों से निकाला हुआ दूध पिलाया जाना चाहिए नर्स या परिवार का सदस्य शिशु को ये दूध पिला सकते हैं। ध्यान रहे दूध पिलाने वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आया हो शिशु या दूध को छूने से पहले उन्हें 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने चाहिए हाथ धोने के बाद उन्हें मास्क भी पहनना चाहिए स्तनों से निकाला हुआ दूध शिशु को बिना गरम किए ही पिलाया जा सकता है स्तनों से निकाले हुए दूध को इकट्ठा करना और उसका रख रखाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए माँ के ठीक होते ही स्तन पान की शुरुआत फिर से करनी चाहिए अगर संक्रमित माए ज्यादा बीमार हो और स्तनों से दूध ना निकाला जा सके तो शिशु को पोषण देने के लिए दूसरे विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं कोशिश करें दानी माँ का दूध किसी माओ के दूध इकट्ठा करने वाले बैंक में मिल सके शिशु को दूसरी माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए जब तक उसकी माँ ठीक ना हो जाए अगर किसी और माँ का दूध न मिल सके तो माँ के ठीक होने तक वेट नर्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नर्सिंग का मतलब है शिशु को किसी दूसरी माँ द्वारा स्तनपान कराया जाना अगर वेट नर्सिंग ना हो सके तो शिशु को पशु का दूध पिलाया जा सकता है हमेशा पशु का दूध उबालकर ही शिशु को पिलाना चाहिए साथ ही इन सभी विकल्पों पर अपने स्वास्थ्य सेवक की सलाह जरूर लें। डिब्बे वाला पाउडर दूध का प्रयोग ना करें ना ही दूध की बोतल का और ना ही प्लास्टिक रबर या सिलिकॉन निप्पल का प्रयोग करें मां के ठीक होने पर उसे स्तनपान शुरू कराने में मदद करें। शिशु और मां के त्वचा से त्वचा के संपर्क कराने की प्रक्रिया भी करते रहें। ये प्रक्रिया शिशु के जन्म लेते ही शुरू करनी चाहिए भले ही मां कोविड 19 से संक्रमित हो इस प्रक्रिया से मां को स्तनपान शुरू कराने में मदद मिलेगी कंगारू मदर केयर पद्धति मां से शिशु को दिन रात मिलनी चाहिए स्तनपान और त्वचा से त्वचा के संपर्क की प्रक्रिया शिशुओं की मृत्यु के खतरे को कम कर देती है यह प्रक्रिया शिशु को तत्काल और आजीवन स्वास्थ्य और विकास प्रदान करते हैं। स्तनपान से माँ में स्तन और अंडाशय के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है ये सभी लाभ विशेष मायनों में उनके संक्रमित होने के खतरे से कई ज्यादा बड़े हैं। आखिर में माँ और परिवार के सदस्यों को चिंताजनक लक्षणों के बारे में भी जरूर सलाह देनी चाहिए उन्हें शिशु में चिंताजनक लक्षण देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अगर उन्हें ऐसे लक्षण दिखें, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए इस ट्यूटोरियल में दिए गए दिशा निर्देश अभी तक उपलब्ध सीमित सूचना पर आधारित हैं। जैसे ही नई जानकारी उपलब्ध होगी वैसे ही कुछ सुझावों में बदलाव किया जा सकता है कृपया इन दिशा निर्देशों का उपयोग नवीनतम सरकारी अधिनियमों के साथ करें इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेलाटोनी आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद